अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है और आप एकदम मम्मी के हाथ वाला स्वादिष्ट चिकन खाना चाहते हैं तो आज हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में, वो भी फटाफट। बेसिक मसाले इस्तेमाल करेंगे, कोई स्पेशल चिकन मसाला नहीं चाहिए, घर की चीज़ से ही बनाएंगे। एकदम सिंपल और एकदम आसान तरीके से हम ये चिकन करी बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को लाइक के साथ, और टाइमली नोटिफिकेशन आने के लिए बेल बटन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट टाइमली बेसिस पर आए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन ग्रेवी को कढ़ाई में बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये बोन वाला चिकन लिया है 250 ग्राम। इसमें मैंने नमक डाला आधा छोटा चम्मच। इसके बाद इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, दही दो चम्मच। अगर आप दही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो टमाटर की क्वांटिटी कम कर दें, अगर आप दही कम ले रहे हैं तो टमाटर सिर्फ एक ही डालिए ताकि मिक्सचर हमेशा उसके साथ बैलेंस रहे। तो मैंने इसमें दही डाली है 2 चम्मच। इसके साथ मैं इसमें एक ही टमाटर डालूँगी क्योंकि मैंने दही 2 चम्मच डाली है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं ढक के 10 से 15 मिनट तक। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन को गरम किया है। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे लौंग, 2 लौंग, 3 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 काली मिर्च, 1 सिनेमन स्टिक और तेज पत्ता, और आखिर में डालेंगे हम जीरा। इसके बाद इसमें डाले हमने प्याज 4 कटे हुए, आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं, मैंने चॉप करके डाला है। प्याज को हमें तब तक ब्राउन करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर पूरी तरीके से चेंज ना हो जाए। उसी से ही ग्रेवी का टेक्सचर और ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट। ये मैंने थोड़ा और प्याज डाला है, मैंने टोटल 4 प्याज डाले हैं। अब इनको अच्छे से भून लें। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब डालें इसमें हमने 2 बीच से कटी हुई हरी मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हम प्याज के साथ ही हमने डाला है ताकि इसका फ्लेवर पूरी सब्जी में आए। ये हम थोड़ा ढक के रखेंगे इसको 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। मिला लें इनको अच्छे से। जैसे ही प्याज का कलर लाइट ब्राउन होगा इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिलाएं इनको अच्छे से। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्च, अदरक लहसुन और प्याज का कलर सब में अच्छे से मिक्स हो। तो इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो मैंने इसमें 1 टमाटर डाला है क्योंकि मैंने 2 चम्मच दही डाली थी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। टमाटर को थोड़ा मशी बनाने के लिए मैंने इसमें नमक डाला है आधा छोटा चम्मच। अब इनको अच्छे से मिक्स करें।
अब इसमें डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसको हमको लो फ्लेम पे पकाना है जब तक टमाटर और प्याज अच्छे से पूरी तरीके से पक ना जाए। ये देखिए टमाटर प्याज पकना शुरू हो गया है। तो इसको हमें तब तक ऐसे चलाते रहना है जब तक प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाए। अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच डाला है, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने मैरिनेट चिकन में भी डाला था इसलिए हम उसी हिसाब से नमक डालेंगे। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कढ़ाई में बनाया है। अब इसको हम ढक के रखेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से बन गया है। घुमाएं इनको अच्छे से। तो इस मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से भुने, इसी से ही ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें डालेंगे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। जब प्याज और टमाटर अच्छे से भुनेंगे और फिर बाद में हम चिकन डालेंगे, तो चिकन को भी जब हम अच्छे से भुनेंगे टमाटर प्याज के साथ, तो उसका कलर ही बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। तो इसको अब हम भुनेंगे चिकन को मसाले के साथ, और धीरे धीरे जैसे ही चिकन भुनना शुरू होगा इसमें से थोड़ा पानी रिलीज होगा और बाद में ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको अच्छे से घुमाएं। ताकि मसाला चिकन में अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए मिक्सचर अच्छे से कोट हो गया चिकन के साथ। अब हमें 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक चिकन अच्छे से पक ना जाए। ढक्कन हटाया हमने, घुमाएंगे हमें इसको अच्छे से। ऐसे ही हमको थोड़ी थोड़ी देर इसको ढक के रखना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इसको हमें थोड़ी देर तक ऐसे चलाना है, फिर हमें ढक्कन लगाना है। अब हम 4 से 5 मिनट तक और ढक के रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ग्रेवी का कलर, क्योंकि हमने प्याज टमाटर बहुत अच्छे से भुना था और हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में ढक के रख रहे थे, तो धीरे धीरे चिकन भी पकना शुरू हो गया है। ये देखिए ऑलमोस्ट 70-80% चिकन बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से घुमाएंगे। दो से तीन मिनट तक हम चिकन को और पकाएंगे जब तक चिकन अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। घुमाएं इसको अच्छे से। इसको हमें थोड़ी थोड़ी देर में पकाना है ताकि ग्रेवी नीचे ना लगे, और चिकन को भी हमें चेक करते रहना बीच बीच में। तो ये देखिए चिकन एकदम पक चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी। आप इसको ड्राई भी खा सकते हैं, रोटी के साथ या चावल के साथ अगर खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें। तो मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाला है।
ये देखिए चिकन एकदम प्रॉपरली अब कुक हो चुका है। ग्रेवी एकदम तैयार है। अब इसको हम 2 मिनट तक बॉईल करेंगे क्योंकि हमने पानी डाला था, तो वो अच्छे से पानी और ग्रेवी और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए चिकन करी हमारी रेडी है एकदम। घुमाएं इसको अच्छे से। चिकन एकदम अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। इसको हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से पकती रहे। अब इसमें डालेंगे हम घी 1 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप ग्रेवी का टेक्सचर देखेंगे और टेस्ट एकदम लाजवाब होता है अगर आप घी डालते हैं तो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और जब तक घी का फ्लेवर पूरी सब्जी में आ जाए। तो ये देखिए हमारी चिकन करी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं बोल में। आप इसको रोटी, परांठा या राइस के साथ खाएं, ये एकदम परफेक्ट जाता है। तंदूरी रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, वो भी एकदम परफेक्ट जाता है इसके साथ। अब हम इसको सर्व करते हैं बोल में। इसको आप जीरा राइस या स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हमारी चिकन करी बनके तैयार हो गई है, एकदम बैचलर स्टाइल में मैंने इसको बनाई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर आए। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी।